हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका ऑपरेशन रिसर्च की इस ऑनलाइन क्लासेस में। इसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जिसमें आज हम देखेंगे कॉलम मिनिमा मेथड, जो कि इनिशियल सॉल्यूशन निकालने के लिए होती है। तो इसको हमें क्वेश्चन के हेल्प से सॉल्व करेंगे हम। तो क्वेश्चन हमारा है, हमको डेस्टिनेशन दी है और उसके ओरिजिन दिया है, तो हमको यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं हम उस प्रॉब्लम बैलेंस्ड है कि नहीं है। ठीक है, हम उसको बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग के लिए क्या करते हैं, टोटल अवेलेबिलिटी जो भी रहती है उसको और रिक्वायरमेंट का टोटल हम लगाते हैं, दोनों को इक्वल आना चाहिए। कैसे हम देखते हैं, अवेलेबिलिटी में क्या लिखा है, 20 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 20 कितना होता है, ये होता है 40, 60, 80, 100। ठीक है, अब देखेंगे रिक्वायरमेंट भी सेम है या अलग है। रिक्वायरमेंट है 20 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 10, ये कितना आ रहा है, 20, 40, 60, 90, 100। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट दोनों सेम है, मतलब कि ये प्रॉब्लम बैलेंस है, मतलब कि हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं। इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन के लिए हम इसी टेबल को वापस से ड्रॉ कर लेंगे, मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर रखी है इसे। ठीक है, अब इस टेबल को हम ड्रॉ करेंगे। अब हमको यहाँ पर करना है कॉलम मिनिमा मेथड, हमको कॉलम मिनिमा से निकालना है। तो हम देखेंगे इसमें कि जो फर्स्ट कॉलम है, कॉलम मतलब कि ये खड़ी लाइन होती है और वर्ट रो मतलब कि आड़ी लाइन होती है। ठीक है, ये आपको समझने के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अपना वर्टिकल और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं रो, वर्टिकल को बोलते हैं कॉलम। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं कॉलम मिनिमा मेथड। तो हम कॉलम को देखेंगे, फर्स्ट कॉलम को देखेंगे। फर्स्ट कॉलम में ये लास्ट वाले को नहीं देखेंगे, रिक्वायरमेंट को। ठीक है, हम O1, O2, O3 और O4 को देखेंगे। फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है 1। ठीक है, 1 है सबसे छोटा, 1 पे रिक्वायरमेंट है 20 की और अवेलेबिलिटी भी 20 की है। तो हम यहाँ पर ये पूरी कर देंगे हम रिक्वायरमेंट। अब जब 20 की रिक्वायरमेंट थी, हमने 20 पूरे यहाँ पर दे दिए इसमें, तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 0। तो ये बाकी तीनों कट जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 0 है, जबकि यहाँ पर भी 20 की रिक्वायरमेंट थी, तो ये भी 0 बचेगा, मतलब कि बाकी ये तीन भी कट जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास बचता है सिर्फ ये, बाकी जो कटा हुआ है उसको नहीं लिखेंगे, बाकी को हम नीचे नेक्स्ट टेबल में लिख लेंगे। हमारे पास क्या बचा, D2, D3, D4। D1 के सारे कट चुके हैं इसलिए D1 को नहीं लिखेंगे हम, D2, D3 और D4। इधर से हमको O1 के सारे कट चुके हैं, तो हम O2, O3, O4 लिखेंगे हम यहाँ पर, O2, O3 और O4। ठीक है, O2 में क्या है, 3, 2, 1, तो 3, 2, 1, 2, 5, 9, 2, 5, 9, 3, 6, 10, 3, 6, 10। अब देखो यहाँ पर कितना लिखा है, 40, 30, 10, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 40, 30, 10। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से इधर ये तो 0 हो गया हमारा पूरा, तो यहाँ पर बचेगा 40, 20, 20, तो ये हो गया हमारा 40, 20, 20। अब फिर से इसे कॉलम मिनिमा की हेल्प से सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट कॉलम अब ये वाला है, इस कॉलम में सबसे छोटा हमको 2 दिख रहा है। 2 पे अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट है 40 की, जबकि अवेलेबिलिटी है कितनी, रिक्वायरमेंट 40 है, अवेलेबिलिटी 20 है। छोटा क्या है, 20 है, तो हम 20 को 2 को दे देंगे हम। 20 दे दिया तो यहाँ पर बचा 0, तो इधर की हम सारी दोनों को हम दोनों नंबर्स को हम काट देंगे। यहाँ पर 40 था, 20 दे दिया, बचा कितना, 20 बचा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ बचा है इसलिए हम इन दोनों को नहीं काटेंगे। ठीक है, अब मतलब इधर 20 दे दिया, तो हम नई टेबल बना लेंगे जिसमें कि ये वाली रो को हम हटा देंगे, बाकी ऊपर नीचे वाली रो रहेगी। ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं, तो हमने ये बनाई है रो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, D2, D3, D4, मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ मैं, D2, D3 और D4। इधर मुझे दिया है फिर 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 6, 10, 3, 6, 10 और यहाँ पर बचा है O2 बचा है और O4 बचा है, इधर लिख दिया मैंने O2 और
04। अब देखो नीचे क्या बचा, 40 की जगह 20 आ जाएगा, 20 30 10। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 20 30 10। इस साइड पर बचा है 40 और 20, तो इधर लिख दिया मैंने 40 और 20, ठीक है। अब फिर से हम फर्स्ट कॉलम को देखेंगे, फर्स्ट कॉलम में दोनों में 3 3 आ रहा है, तो हम किसी को भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो दोनों में 3 3 है, तो किस में ज़्यादा सप्लाई हो रही है। देखो इसमें 20 की इस वाले ऊपर वाले में देखें तो 20 की रिक्वायरमेंट है, 40 इधर है, तो यहाँ पर 20 जाएगा, इस वाले में भी 20 जा रहा है, ठीक है। मतलब कि हम किसी को भी ले सकते हैं, तो मैं फर्स्ट वाले को ले लेता हूँ, मैं इसमें 20 मैंने सप्लाई कर दिया, ये बचा 0, इधर बचेगा 20, ठीक है। अब ये 0 हो गया तो ये कट जाएगा, इसके कटने के कारण अब क्या बचा, हम नेक्स्ट टेबल में लिख लेते हैं 2 1 6 10, 2 1 6 10, यहाँ पर बचेगा D3 और D4, ठीक है। यहाँ पर बचा O2 O4, इधर बचेगा 40 की जगह 20 और 20, दोनों में 20 बचा, इधर बचेगा 30 और 10। अब फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटा 2 दिख रहा है, तो अब 2 को 20 और 30 में से छोटा 20, तो 20 दे देंगे इसको भी हम, इसको 20 दे दिया, तो यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर 0 बचा मतलब कि 1 कट जाएगा, इधर 30 था 20 दे दिया, बचा 10, ठीक है। बाकी 6 और 10 को भी इधर लिख लेंगे, इधर आगे और O4 है तो O4 लिख लेते, ऊपर एज इट इज आएगा D3 एंड D4, इधर आ जाएगा ये तो 0 हो गया, यहाँ पर बचेगा 20 और यहाँ पर बचेगा 10 था तो 20 बचा, सॉरी यहाँ पर 10 बचा और यहाँ पर भी 10 ही है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कॉलम ये है, तो पहले इसमें 10 अलॉट कर देंगे हम, ये हो जाएगा 0, ये बचेगा 10, ठीक है। जब ये 10 बचा तो हम इसको ऐसा कहते हैं, ये 10 बचा है तो इसको एडिटिव यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे हम, ऊपर बचेगा D4, इधर साइड में बचेगा O4, और यहाँ पर नीचे बचेगा 10, यहाँ पर भी बचा 10, तो कि हम 10 को इसको अलॉट कर देंगे और ये दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा हमारा हुआ, हमने पूरा अलॉटमेंट कर दिया। अब ये पूरे अलॉटमेंट को हम वापस से हमारी ओरिजिनल टेबल में इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो कैसे करेंगे ड्रॉ, तो उसके लिए हम सबसे पहले सारे नंबर्स नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद में सबको अलॉट कर देंगे हम। अब देखो ये टेबल मैंने पूरी बना ली है मैंने, ठीक है, ये टेबल मैंने पूरी बना ली है। अब इसमें हम जो भी हमने अलॉट करा था उन सबको इसमें फिल कर देते हैं। जैसे कि देखो फर्स्ट वाले में मेरा मैंने अलॉट करा था 20, तो इस वाले में मैं लिख दूंगा 20, ठीक है। फिर सेकेंड वाले में मैंने अलॉट करा था 2 O3 में 2 के ऊपर 20, इसमें मैं O3 में 2 के ऊपर मैं कर दूंगा 20, ठीक है। थर्ड वाले में, थर्ड यहीं पर है, थर्ड वाले में O2 D2 में है कितना 20 है, तो O2 D2 वाला ये हो गया, इसमें आ गया 20। फोर्थ वाले में O2 D3 में 20 दिया है, तो O2 D3 में 20 दे दिया। फिर O4 D3 में दिया है 10, तो O4 D3 में दे दिया हमने 10। फिर दिया है O4 D4 में 10, तो O4 D4 में 10 दे दिया। तो ये हमारा सारा अलॉटमेंट हो गया। अब हमको निकालना है, जब इतना अलॉटमेंट हो जाए तो फिर हम निकालते हैं इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सिंपल है, 1 × 20 कितना होता है, ये होता है 20। फिर 3 × 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 60। 2 × 40 सॉरी 20, तो ये हो जाएगा 40। 2 × 20 फिर से, तो ये हो जाएगा 40। 6 × 10 ये हो जाएगा 60, और 10 × 10 ये हो जाएगा 100। इन सब का हम टोटल लगा लेंगे तो ये आएगा 80 120 160 220 320। ये हो गया हमारी इनिशियल कॉस्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, आई होप आपको ये पूरा रो मिनिमा कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप चाहे तो स्क्रीन पॉज करके इसको पूरा नोट डाउन कर सकते हैं।
ये कर लीजिए, इसके बाद में आप इसको नोट डाउन कर लेना। इसको करने के बाद में आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसको नोट डाउन करने के बाद में आप स्क्रीन पॉज करके अपना इनिशियल कॉस्ट को आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।